अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुंबल नास। टुडे वी विल डिस्कस ऑन अ टॉपिक लर्निंग। लर्निंग की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जैसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट और बेसिक नीड्स हैं हमारी, बिकॉज थ्रू आउट द लाइफ हमारा लर्निंग के साथ ताल्लुक है। जैसे ही कोई एक्सपोजर मिलेगा, जैसे ही कोई एक्सपीरियंस हम न्यू गेन करते हैं, वो हमारी लर्निंग हो रही होती है। लर्निंग इज़ अबाउट पोटेंशियल बिहेवियरल चेंज, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी इस तरह का सीख लेना जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में चेंजेस आना शुरू हो जाएं और सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव चेंजेस भी हों, सम हाउ लर्निंग की नेगेटिव चेंजेस भी हो सकती हैं, लेकिन लर्निंग इज़ समथिंग कि जो भी बिहेवियर चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो थोड़े लेवल पे है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, तो वो लर्निंग की वजह से होता है। क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल की परसेप्शन, उसका रिएक्शन और उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लर्निंग इज़ एक्चुअली द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि लर्निंग के बगैर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रायोरिटीज चेंज हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो तब वो हमारी मेमोरी को इन्हेंस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें लर्निंग में आ जाती हैं। और डिफरेंट स्टेजेस पे जाके इसके फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे हमारी मैच्योरिटी हो रही होती है, ग्रोथ हो रही है, तो साथ साथ लर्निंग भी हमारी इम्प्रूव होती जाती है। If we talk about the definition, तो learning is actually a relatively permanent change in behavior which is brought about by the experience. As you know, man is a social animal and we learn from society. और society से सीखने के बाद हम लोग social adaptation की तरफ जाते हैं कि for example मुझे अपनी family में किस तरह से खुद को present करना है, मुझे लोगों के सामने खुद को कैसे present करना है, मेरी personality कैसी हो, मेरा attitude किस तरह का हो, मेरा behavior किस तरह का हो, this all is about learning। और अगर हम लोग social animal हैं और हम society से सीख रहे हैं और social adaptation हमारे लिए इतनी important है, so we are the basic part of the society। और यही सारा सच है कि लर्निंग जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। बिकॉज एक बंदा था जिसका नाम है रश, उसने कहा था, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द इंडिविजुअल परसेप्शन एंड रिएक्शन आफ्टर हिज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जॉन लॉक ने कहा था कि अगर हम लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग से हट के ये बात करते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिस कॉन्सेप्ट को उसने कहा था, इट इज़ कॉल्ड टेब्यूला रासा। और जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर होता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उस पर डिफरेंट तरह के वो प्रिंट्स छोड़ता जाता है और उसी के साथ साथ हमारी लर्निंग भी हो रही होती है। सो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने अडॉप्टेशन या सोशल अडॉप्टेशन की बात की, तो सोशल अडॉप्टेशन और अडॉप्टेशन हमारी जो है वो फैमिली के साथ, स्कूल के साथ, ऑक्यूपेशनल एरियाज के साथ, लेकिन इससे हट के भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पोलिटिकल, रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल स्फेयर, तो ये अडॉप्टेशन है। और ये जितना भी प्रोसेस है अडॉप्टेशन का, उसको हम लर्निंग कहते हैं। सो अडॉप्टेशन लीड्स टू लर्निंग, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैच्योरेशन। जैसे हमें पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इनेट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो बाय बर्थ उसके अंदर कुछ भी खसूसियात होती हैं, उनको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो मैच्योरेशन भी साथ साथ पॉसिबल होती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। छोटा बच्चा है वो बिल्कुल एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, एट द स्टेज ऑफ बर्थ, वो क्या करेगा, उसका रिस्पांस कुछ और होगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज गुजरती जाएगी तो उसकी लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट्स होती जाती हैं। मैच्योरेशन इज़ एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है और उसको स्ट्रेंथन भी करता है। जैसे अ न्यूबॉर्न बेबी कैन नॉट सिट, इवन कैन नॉट वॉक, वो बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आती जाएगी तो बच्चा जो है वो एक तो उसकी जैसे बैकबोन स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो वो बैठना भी शुरू कर देगा, मसल स्ट्रांग हो रहे हैं क्योंकि उसकी मेच्योरेशन भी हो रही है और साथ साथ लर्निंग भी हो रही है। जिस तरह से हमने कहा कि एडॉप्टेशन लीड्स टू लर्निंग, तो हम कहते हैं कि मेच्योरेशन के साथ साथ लर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी पैरेलल चल रहा होता है।
Learning is actually a process which brings about a change in the individual perception and reaction after his reaction with the environment, जो कि अभी हमने discuss किया कि ये रश ने definition दी थी और रश की definition से ये clear हो जाता है कि environment के interaction के बगैर हम लोग सीख नहीं सकते। हिलगार्ड ने ये कहा था कि लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनिशिएट करते हैं किसी भी किस्म की कोई न्यू एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारी जो पुरानी एक्टिविटीज़ हैं या जो पुराने हमने कोई भी स्किल सीखे हैं उसमें चेंज आ जाए। तो हर बंदे ने लर्निंग की जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डेफिनेशंस दी, लेकिन उनका जो निचोड़ है या हम ये कह लें कि जो उनका मफहूम है वो यही बनता है कि जब भी हमारे अंदर हमारे बिहेवियर में हमारी पर्सनालिटी में कोई प्रोमिनेंट चेंज आ जाए और परमानेंट चेंज भी, ठीक है, तो वो लर्निंग होगी। इसके अलावा लर्निंग का जैसे ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस जो कि थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ चलता रहता है और इसमें डिफरेंट जो है वो बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं प्रैक्टिस से, रेपिटेशन से, और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि आप परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर which is actually brought about by the experience, यानी जैसे जैसे हमारा experience होता जाएगा हमारी environment के साथ interaction ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, तो individual क्या करता है experiences के साथ साथ information gather करता है, environment के साथ कैसे interact करना है, किसी भी event या circumstances में किस तरह से खुद को present करना है, this all leads to change in his thought, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर भी चेंज होगा और उसकी पर्सनालिटी में एक परमानेंट चेंज भी आता जाएगा। तो ये तमाम वही चीज़ें हैं जिसमें हम इंडिविजुअल बिहेवियर के चेंज की बात करें या फिर लर्निंग की बात करें। लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ बिहेवियरल चेंज। द फर्स्ट वन इज मेंटल चेंज, द सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल चेंज एंड द थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल चेंज। मेंटल चेंजेस में वो तमाम चेंजेस जिसमें हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एजुकेशनल जो भी स्टेटस है और साथ साथ हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स का चेंज हो जाना, ठीक है, या फिर पावर ऑफ रीजनिंग, ये तमाम चीज़ें मेंटल चेंजेस में आ जाती हैं। इसमें एग्रेशन, फिर उसके अलावा जो है वो प्रिजुडिस और डिफरेंट नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल चेंज की अगर हम बात करें मोर स्पेसिफिकली, तो इसमें फिजिकल और जो मस्कुलर चेंजेस आते हैं टिश्यू रिलेटेड, और साथ साथ ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई स्किल सीखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसल्स जो है वो अडॉप्ट हो जाते हैं, तो ये बेसिकली जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्लेयर है जो कि एक स्पेसिफिक गेम खेल रहा है या जैसे जिमनास्टिक कुछ लोग करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी, उनके मसल्स जो है वो अकॉर्डिंगली क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो यही चीज़ है फिजियोलॉजिकल चेंज, ये भी लर्निंग है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो हमारे फीलिंग्स में, हमारे इमोशंस में, हमारे जो है वो आप ये कह लें कि सोचने की सलाहियत में, सोचने की सलाहियत ज़्यादातर मेंटल चेंजेस में आ जाती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल में हम अपनी फीलिंग्स और इमोशन की ज़्यादा बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से जो है वो मतलब उसको पसंद करूंगी मैं। इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल चेंजेस के आप ये कह लें कि हमारी फीलिंग्स, हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स यहाँ पे एसोसिएट हो जाएं, तो वो हमारी साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं। अब चाहे साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर मेंटल चेंजेस हो, इसकी वजह से बिहेवियरल चेंजेस लाजमी आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लर्निंग एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस, बिहेवियर्स एंड आइडियाज। सो लर्निंग इज़ अ वेरी मच कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, और हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड ओनली विद आर मेंटल एंड द साइकोलॉजिकल चेंजेस, बट इट इज़ ऑल्सो एफिलिएटेड विद आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी रिलेटेड चेंजेस जितनी भी आ जाती है। वी हैव डिस्कस अबाउट लर्निंग द कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन, we have discussed about the social adaptation, we have discussed about the maturation process, we have discussed three types of behavioral changes that are associated with our learning process. और अगर आपको वीडियो पसंद आए, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching and listening. Allah Hafiz.